है, सेक्शन डी पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएंगे। एक मिनट बस मॉड्यूल ओपन करने को। ठीक है, स्क्रीन दिख रही सभी लोगों को? यस सर। यस सर। तो इसमें D1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी D1 D2 D3 D2 में क्या डाउट आ गया? D2 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x = π/2। तो x = π/2 पे जो है LHL हमें मिलेगी वो सबसे पहले वाले फंक्शन से 1 - sin³x। तो x = π/2 1 - sin³x अपॉन कौन में क्या आ जाएगा 3 cos²x। ठीक है, तो ये 0/0 वाला फॉर्म बनता है क्या? हाँ सर, 0/0 वाला फॉर्म बनता है। तो इसमें लॉपिटल लगा देंगे तो लिमिट x = π/2 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे तो माइनस आएगा π/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन -3 sin²x देन sin x का चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन cos x इसका आ जाएगा 6 cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन -sin x। तो ये देख लो cos x गया, एक sin x गया, -- गया, तो ये बचता है यहाँ पे लिमिट x = π/2 -1/2 sin x। ठीक है, एंड π/2 पे इसकी वैल्यू 1 तो LHL 1/2। क्लियर है? तो LHL आ रहा है यहाँ पे 1/2। फिर उसके बाद RHL की बात करते हैं। RHL तो इसमें लिमिट x = π/2 प्लस, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा तीसरे नंबर का फंक्शन जो जिसमें x > π/2 है, तो वो है यहाँ पे b, तो 1 - sin x अपॉन 5/2 - 2x का होल स्क्वायर। तो ये भी 0/0 वाला फॉर्म बनता है। तो इसमें भी तुम या तो लॉपिटल से जा सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से सेम आंसर, मतलब सेम स्टेप बनेंगे, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स और आंसर आ जाएगा। तो इसमें x की जगह पे π/2 + h, तो ये आ जाएगा लिमिट h = 0 b एंड π/2 + h, sin π/2 + h होता है 1 - cos h। नीचे में ये आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर, तो 4h² एंड उसके बाद लॉपिटल लगा दो, आसानी से लॉपिटल लग के आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद D3 सर, D3 में फर्स्ट देख लो f(x) = हमें गिवन है फिर उसके बाद
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एच ऑफ एक्स. एच ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? एंड टू. तो ये देख लो, दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस आएगा. हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या? बोलो. नहीं नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा. आप ये कल ही हमने देखा है कि नहीं बोल सकते हैं. तो यहाँ पे f of x है फ्रैक्शनल पार्ट x, ये है जी आई एफ एक्स एट x इज इक्वल टू वन. ठीक है, एलएचएल निकाल रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मैं पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे वन माइनस एच. एलएचएल है तो एक्स की जगह पे वन माइनस एच. तो ये तो कितना आ जाएगा? जीआईएफ की वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी? जीरो. जीरो, तो उसकी वजह से पूरा जीरो हो जाएगा. आरएचएल लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पे वन प्लस एच एंड जी आई एफ वन प्लस एच. जी आई एफ की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहाँ पे? One. ये वन आ जाएगी. एंड फ्रैक्शनल पार्ट वन प्लस एच, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी से क्या हम उसको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट एच लिख सकते? Yes. लिख सकते है ना, ऐसी प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल में, तो उसे ये लिख सकते हैं. अब ये देख लो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये एच, क्योंकि एच बहुत छोटा है तो फ्रैक्शनल पार्ट एच लिखो या एच लिखो एक ही बात है. तो एच टेंडिंग टू जीरो ये भी जीरो, तो आर एच एल भी जीरो, एल एच एल भी जीरो एंड एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन भी जीरो आ जाता है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट वन जीरो रहेगा. तो LHL, RHL और F of 1 इक्वल है तो 1 पे कंटिन्यूअस है. ऐसे 2 पे देख लेना. ठीक है, क्लियर? यस सर. बहुत कम अटेंडेंस है, ये तो मैंने कल ही डाला था वैसे ग्रुप पे, है ना, क्लास के टाइमिंग का. कैसे बच्चे, चलो हटा, आप क्या ही बोले इनको. ठीक है, कर लेना है इसके बाद का, ऐसे ही करना है. ठीक, डी फोर डी फाइव डी सिक्स. यस सर. ये ग्राफ गिवन है और अब क्या बोला क्या गया है, तो दोनों के ग्राफ गिवन है ना हमें वहां पे वन एंड टू पे. देख लो दोनों के ग्राफ गिवन है तो दोनों के ग्राफ बनाते हैं. पहले f ऑफ x का ग्राफ, y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ, ये वन टू. ठीक है, उसके बाद ये थ्री तक, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ. ठीक है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू g ऑफ x का ग्राफ, वो भी सेम ही आ रहा है. जी ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला गया है?
जी ऑफ एक्स का ग्राफ इसमें नहीं दिया गया है ना? दिया है सर, दिया है वही सेम। मेरे इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, दोनों का सेम ही दिख रहा है मुझे। नहीं, अलग है सर, जी आई सर अलग है, अलग है सर। अलग क्या है इसमें सर? जी ऑफ एक्स में 1 2 वाला नीचे आ जाता है और 0 2 1 और 2 2 और 3 वाला ऊपर चला जाता है। मेरे इसमें दोनों सेम ही है सर। आपको फोटो भेजा है सर, एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ ये है सर, इसमें मुझे सेम ही दिख रहा है मेरे मॉड्यूल में। सोच रहा हूँ डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, आई 2 वाला ऊपर है इसमें ना, ये 0 2 1 वाला 2 पे जा रहा है, फिर उसके बाद ये 2 एंड 3। ओके, ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का। अब हमें किसका किसकी कंटिन्यूटी निकालनी है? 1 है f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स की, 1 एंड 2 पे। तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 1 निकाल रहे पहले, एल एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। तो तुम बताओ f ऑफ x 1 माइनस पे कितनी वैल्यू दे रहा है? 1 1 ऑफ x कितनी दे रहा है? 2 2। तो एल एच एल 2। आर एच एल f of x क्या वैल्यू दे रहा है? 2 है ना, r 1 प्लस मतलब यहाँ पे आएगा तो 2। एंड ये g of x क्या वैल्यू दे रहा है? 1। फिर उसके बाद f of 1, तो एग्जैक्ट 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2। f की 2। एंड g की वैल्यू कितनी है? ये देखो 1 पे क्लोज, यहाँ पे तो 1, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है 1 पे, ऐसे फिर 2 पे देख लेना। ठीक है, तो 2 पे एलएचएल कितनी आएगी बताओ? एफ में 2 आएगी और जी में भी 2 आएगी। अरे जी में, जी में 1 मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, तो ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो एलएचएल 2 इंटू 1 2। आरएचएल, आरएचएल बताओ F में 1 और 2 यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2 2। लेकिन एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी 2, तो 4। तो ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं नहीं। तो क्लियर है ये सेक्शन डी में? किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन डी। D1 D2 D3 D4 कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो सेक्शन डी हो गया अपना। तो लास्ट लेक्चर में कहां तक पहुंचे थे बताओ? कंपोजिट फंक्शंस की कंटिन्यूटी, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग देख रहे थे। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस कल किए थे किसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है,
तो एक बार देख लो कल की सारी चीजें, जितने भी कंसेप्ट से एक बार फिर से देख लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लिखो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, वन प्लस एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब एंड एक्स प्लस एक्स माइनस वन का पावर में 1/3, सॉरी एक्स माइनस वन की पावर में 1/3 एंड एक्स प्लस वन की पावर में 1/2, एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। देन कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी, then comment on the continuity of g of f of x at x is equal to 1, at x is equal to 1 के ऊपर continuity के ऊपर comment करनी है, तो जल्दी से बताओ तो continuous आता है या discontinuous।
क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है या डिसकंटिन्यूअस? सही है समर्थ, सही है यज्ञेश, प्रीति गलत है। सही है अमोल, सही है अनिकेत, ठीक है प्रीति। चलो देख लो। हाँ सही है सार्थक। यहाँ पे वन पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वन पे आर एच एल या पहले एल एच एल, ठीक है एल एच एल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एल एच एल निकाल रहे, तो डायरेक्ट इसी से वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस लिखने की जरूरत नहीं, वो एक्स की जगह पे ही जाने वाली है वैल्यू वन माइनस, तो सीधा वहां पे पुट कर दिया। अब वन माइनस मतलब तुम बताओ कौन सा फंक्शन लेना होगा एफ में से, ऊपर वाला फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला, सेकंड वाला। उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना होगा? वन माइनस एच, वन माइनस एच, तो सेकंड वाला फंक्शन ले लिया एक्स की जगह पे वन माइनस एच का स्क्वेयर माइनस वन। अब ये देखो ये जी ऑफ क्या बन रहा है, वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वेयर, तो वन वन कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये आ जाएगा टू एच माइनस एच स्क्वेयर। तो ये बताओ ये जीरो से बड़ा है या छोटा है, बोलो? बड़ा, टू एच एच स्क्वेयर से बड़ा होगा क्योंकि एच वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वेयर करेंगे तो वो और कम होगा, लेकिन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो 2h एंड h स्क्वायर में कंपेयर करेंगे तो 2h बड़ा है, मींस 2h माइनस h स्क्वायर कैसा आ जाता है पॉजिटिव, तो इसको हम g ऑफ 0 प्लस लिख सकते हैं, बोलो? हाँ सर, पॉजिटिव मतलब 0 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एंड जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो g में पहला वाला फंक्शन आएगा या दूसरा वाला? दूसरा वाला, दूसरा वाला। तो इसमें x की जगह पे क्या पुट करना होगा हमें दूसरे में? जीरो प्लस h, जीरो प्लस h, जीरो प्लस h। तो क्या है जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस h प्लस वन की पावर में वन बाई टू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वन। ये एल एच एल क्लियर है क्या, बताओ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब RHL, RHL की बात कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा G of F of 1 plus. अब F में 1 plus पे कौन सा फंक्शन, बोलो? दूसरा वाला, सेकेंड, सेकेंड वाला ही आ जाएगा। यहाँ पे X की जगह पे क्या पुट करना होगा? 1 plus H. 1 plus. 1 plus H. 1 plus H. ठीक है, वहां पे x की जगह पे हमें पुट करना होगा 1 प्लस एच, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाता है 2 एच प्लस एच स्क्वायर। अब ये जीरो से बड़ा है या छोटा है? बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो यहाँ पे भी वो आंसर कितना आने वाला है 1, क्योंकि पहले वाले में भी 0 प्लस था तो 1 आ गया, इधर भी 0 प्लस पे वन आ जाएगा। एल एच एल आर एच एल तो चलो सेम हो गए, लेकिन एग्जैक्ट वन पे वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट थ्री। एफ ऑफ वन कितना रहेगा? जीरो जी, है क्या? एफ ऑफ वन जीरो रहेगा। यहां से देख लो, एफ ऑफ वन यहां से मिलेगा वो जीरो आ जाएगा,
एंड एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू वन आ रही है, तो कंटिन्यूअस आ रहा है ना यहाँ पे ये। डिसकंटिन्यूअस कहाँ से हो गया? बोलो। एग्जैक्ट वन पे वैल्यू, या लिमिट कोई गड़बड़ हो गई यहाँ पे लिमिट का। सर LHL में क्या हो गया? सर वो वन माइनस एच का स्क्वायर। हाँ सही है, LHL में गड़बड़ ये हो गई, वन माइनस एच का स्क्वायर यहाँ पे वो हमें क्या देगा? माइनस टू एच। एच स्क्वायर माइनस टू एच देगा, तभी सोचू गड़बड़ था। ये एच स्क्वायर माइनस टू एच आएगा, तो ये जी ऑफ क्या बन जाएगा? जीरो माइनस। एंड जी ऑफ जीरो माइनस है तो ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाला? ऊपर वाला, ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें एक्स माइनस वन, और एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे जीरो माइनस एच, तो ये जीरो माइनस एच माइनस वन की पावर में वन बाई थ्री, एंड एच टेंडिंग टू जीरो पे ये माइनस वन आता है। यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? वन। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस। और ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है? नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल, ठीक है चलो लिख लो। सभी लोग लिख लो इसको जल्दी से। लिख लो जल्दी से, लिख लो बाकी सारे लोग। डन सर। चलो ठीक है, अब कंपोजिट का मतलब कंटिन्यूटी चेक करना आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन की? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के ऊपर, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है चलो डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक तो क्या देख रहे थे? कंटिन्यूटी एट पॉइंट। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, तो सबसे पहले लिखो इसमें पहला पॉइंट, फंक्शन y is equal to f of x
इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए, इंटरवल में है ना ब्रैकेट, इज कंटिन्यूअस इन ओपन ए टू ओपन बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो ओपन ए टू ओपन बी में कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। अगर ए टू बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे कंटिन्यूअस, तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए टू क्लोज बी इफ, इसमें अब तीन चीजें चेक करनी होती है। सबसे पहले इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन ए टू ओपन बी, मतलब ए एंड बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो सब लिखने के बजाय ओपन ए टू ओपन बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब उसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए वो देख लो, यहाँ पे होना चाहिए अब ए पे, ए पे अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट हमें देखनी होती है ना, तो ए पे क्या निकलेगी, एलएचएल या आरएचएल, आरएचएल आरएचएल आरएचएल, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए। एंड थर्ड बी पे क्या, एलएचएल 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 b माइनस इज इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ b। तो अगर ये तीन पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि क्लोज a टू क्लोज b में ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? तो ये हो गया कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। ओपन a टू ओपन b में कंटिन्यूअस होना है तो a टू b के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उन सब पे उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, एंड क्लोज ए टू क्लोज बी में कंटिन्यूअस होना है तो ए टू बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां पे तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ए पे भी कंटिन्यूअस। ए पे कंटिन्यूअस मतलब वहां पे आर एच एल इज इक्वल टू आनी चाहिए एफ ऑफ ए के इक्वल, एंड बी पे एल एच एल इज इक्वल टू आनी चाहिए एफ ऑफ बी के इक्वल, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट? सर हाँ, ए और बी इनफिनिटी हो सकते हैं? नहीं। क्यों सर? तो फिर इसमें क्लोज में कैसे चेक करोगे? सर ओपन ब्रैकेट में। हाँ उधर जा सकते हैं, दोनों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर।
अब ये बताओ साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? आर आर आर। तो ये बताओ क्या अपने डोमेन में साइन एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है क्या कहीं पे? नो नो अपने डोमेन नहीं नहीं है ना। ऐसे ही कॉस एक्स अपने डोमेन में डिसकंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं। tan x का डोमेन क्या है बताओ? rx to n plus 1 pi by 2। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं क्या कि उसके डोमेन में tan कंटिन्यूअस है? हाँ। नहीं सर। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, pi by 2 पे हमें देखना ही नहीं है। अब pi by 2 उसके डोमेन में आता ही नहीं है, तो वहां पे कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके अलावा कंटिन्यूअस है टाइम, अपने डोमेन की बात कर रहा हूं। उसका डोमेन क्या है? जैसे उसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू उसके डोमेन में होता ही नहीं है, तो वहां पे हमें कुछ नहीं देखना है उसके बारे में। हमें तो बस उनको छोड़ के बाकी सारे जगह पे देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या कैसा है। तो ये देखो, ये माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू फिर थ्री पाई बाई टू उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जगह पे क्या ये कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या? ग्राफ देखो। यस सर। कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या इनके अलावा? ये तो चलो डोमेन में ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू में कहीं पे ब्रेक होता है क्या? नो सर। पाई टू टू पाई बाई टू में कहीं पे ब्रेक होता है क्या? नो सर। नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अपने डोमेन में टैन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। क्या ये सही है? यस यस। तो यही लिखना है यहाँ पे, नोट करके पॉइंट इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉग अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है क्या? यस यस। लॉगरिथमिक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल आर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है। अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस रहते हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लिख लो इसको जल्दी से। क्यों क्या हो गया? कितने बजे छोड़ोगे? कुछ काम है क्या आज? समर फोर्थ क्लास चल रही है, थर्ड में किसने क्लास ले ली तुम्हारी? सर ने दो बार ले ली। सर किसने ले ली? SRP सर। इसी वजह से बच्चे गायब है क्या इतने? ये बी वाले ही ज्यादा है आपसे। ये चौथी क्लास चल रही है इस वजह से। क्या यार, मुझे लगा कोई लेगा नहीं क्लास।
ठीक है, जल्दी छोड़ना है क्या आज? नहीं सर। नहीं सर। ये क्यों पूछा तुम लोग, चौथी क्लास चल रही है, कब छोड़ोगे? अच्छा मेरी इच्छा, ठीक है मेरे, मुझे क्या पता था कि लेने वाले साल की सर थर्ड इसमें क्लास तुम्हारी। वैसे कब अनाउंस कर दिया था? सुबह बताएंगे। अच्छा तुम्हारी तीसरी है जेपीए वालों की, चौथी फिर करके वो चल रहा है। जेपीए वालों की तो कब नहीं अटेंड, जेपी वाले ज्यादा लड़के हुए हैं। ठीक है थोड़ा थोड़ी देर और लेते हैं, ठीक 2:30 बजे, कितने 2:45 बजे तक, 2:30 पौने 3 बजे तक ये थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट हो जाने दो, कंटिन्यूटी इन द इंटरवल वाले का क्वेश्चंस कल ले लेंगे फिर। और ये अच्छे से हो गया तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम यही है, कोई डिफरेंस नहीं है जो पॉइंट्स थ्योरी पार्ट वाले जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं वो। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? yes. कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहते हैं। yes. ठीक है, तो ये देखो अब हमें इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाता है, तो हर एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेना अगला पॉइंट इसमें, जैसे ए टू बी में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो वो कंटिन्यूअस होगा, तो हर एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं। वहां पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहां पे जाके हम चेक करेंगे। ठीक, और अमक तुमने क्या बोला था, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, नहीं गलत है वो तो? ठीक है, क्योंकि जीआईएफ का डोमेन आर होता है तब भी वो डिसकंटिन्यूअस आता है। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं बस यहाँ पे, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट लिख लो, पॉइंट्स where continuity of the function should be checked, points, ये important चीज है। ठीक है, points where continuity of the function should be checked। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पे देखनी है ये बताओ, जीआईएफ फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? जीआईएफ एक्स इंटीजर, जब उसके अंदर में इंटीजर आ रहा है वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। मैं हमने तो बात किसकी की थी, जीआईएफ एक्स की। ठीक है, तो जब जब यहां पे इंटीजर वैल्यू लगा एक्स वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन जब जीआईएफ एफ ऑफ एक्स आएगा, जीआईएफ एफ ऑफ एक्स भी आ सकता है, तो यहाँ पे वो एफ ऑफ एक्स अगर इंटीजर वैल्यू ले रहा है तो ऐसे हर एक केस में वो डिसकंटिन्यूअस रहे जरूरी नहीं है, कभी कभी कंटिन्यूअस भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से एक पॉइंट यहाँ पे हमें लिखना है, मान लो कि वो है कंटिन्यूटी ऑफ, हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स वेयर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन शुड बी चेक इन, लिखो in GIF f of x and fractional part f of and fractional part f of x, ये अगर फंक्शन है, ये फंक्शन है आर फंक्शंस
then continuity should be checked at points where f of x takes integral values. मतलब जहां पे f of x इंटीग्रल वैल्यू ले रहा होगा उन पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, उसके अलावा चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं ये लिख रहा हूं gif x स्क्वायर एंड x लिया है हमने मान लो क्लोज 1 टू क्लोज 3, तो कंटिन्यूटी कहां कहां पे चेक करनी होगी बताओ? 1 2 3 x is equal to root 2, x is equal to root 3, x is equal to 2, root 5, root 6, root 7, root 8 and 3 पे चेक करनी होगी? नहीं आया समझ में? समझे सर। यहाँ पे discontinuous होने के chances बस कहाँ पे है? जहां पे g या f of x इंटीग्रल वैल्यू ले रहा होगा वहां पे बस चांसेस है डिसकंटीन्यूअस होने के। तो जब भी ऐसा फंक्शन आएगा तो हम कंटिन्यूटी कहां पे चेक करेंगे? जहां पे f of x इंटीग्रल वैल्यू ले रहा होगा। तो एग्जांपल मैंने क्या लिया है, एग्जांपल लिया है y is equal to gif x square and x belongs to close 1 to close 3। तो इसमें 1 टू 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब पे चेक करने की जरूरत नहीं है। कहां पे चेक करना है? जहां जहां पे वो x स्क्वायर इंटीग्रल वैल्यू लेगा। तो तुम बताओ x स्क्वायर कहां से कहां वैरी करेगा? 1 टू 9। अब x स्क्वायर कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज दे सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज वो ले सकता है। तो कौन से x के लिए लेगा? 1 के लिए 1, रूट 2 के लिए 2, रूट 3 के लिए 3, 2 के लिए 4, रूट 5 के लिए 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 एंड 3। इन सारे पॉइंट्स पे हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। क्लियर है पॉइंट? यस। बोलो क्या किसी को कोई डाउट है? कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है? gif f of x एंड फ्रैक्शनल पार्ट f of x की, जहां पे वो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा होगा उसके अंदर की क्वांटिटी इंटीग्रल वैल्यू ले रहे होगी वहां पे, ठीक है? और एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट कहां पे चेक करनी, सिग्नम में कहां पे चेक करनी होगी बताओ? 0 पे, सिर्फ 0 पे वो डिसकंटीन्यूअस होता है। तो इसकी वजह से जब f of x 0 वैल्यू ले रहा होगा वहां पे चेक करनी होगी। तो लिखो इसमें इन सिग्नम f of x कंटिन्यूटी should be checked at points where f of x is equal to 0। जहां पे f of x 0 हो रहा होगा वही पे हमें चेक करनी है, बाकी सारे पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट और कहां पे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन शुड बी चेक्ड तीसरा पॉइंट है शुड बी चेक्ड एट पॉइंट्स वेयर इट्स डेफिनेशन चेंजेस अब इसका मीनिंग बता देता हूं डेफिनेशन चेंज किसको कहते हैं हम होती है डेफिनेशन चेंजेस ये एग्जांपल हमारे सामने है डेफिनेशन किसको कहते हैं हम चेंज हो रही है x लेस देन जीरो पे हमारे पास ये फंक्शन है वन प्लस एक्स क्यूब एंड x ग्रेटर देन जीरो पे ये दूसरा फंक्शन मिल रहा है तो यहां पे हम कहेंगे कि जीरो पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है पहले वन प्लस एक्स क्यूब है बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वन है मतलब एक तरीके से डेफिनेशन चेंज वगैरह हो रही है ऐसा दिख रहा है ना सेम yes, यहाँ पे लेस देन जीरो पे अलग फंक्शन ग्रेटर देन जीरो पे अलग फंक्शन तो बोलेंगे कि जीरो पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है तो डेफिनेशन चेंज होना किसको कहते हैं क्लियर हो गया तो उन पॉइंट्स पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत पड़ती जैसे कि यहाँ पे बताओ लेस देन जीरो पे एलएचएल कितना आएगा बताओ मतलब जीरो पे चेक करनी होगी ना डेफिनेशन चेंज हो रही है जीरो पे एलएचएल कितना आएगा वन आरएचएल माइनस वन डिसकंटिन्यूअस आ रहा तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वन पे अगर बोला जाता कि एक्स बिलोंग्स टू आर है उसमें हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या सारे रियल नंबर्स के लिए चेक करने जाते अगर सिर्फ इतना गिवन रहता तो no. नहीं हम बस कहां पे चेक करते जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और इसमें जीआईएफ फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम वगैरह कुछ नहीं आ रहा तो वो सब तो पॉइंट काम में नहीं आएंगे यहाँ पे बस कौन सा पॉइंट काम में आएगा डेफिनेशन चेंज वाला पॉइंट तो जीरो पे डेफिनेशन चेंज होती तो हम बस जीरो पे चेक करेंगे इसके अलावा और कहीं पे चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन शुड बी चेक्ड एट द पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन चेंजेस हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है जहां पे कंटिन्यूटी चेंज होगी बस वहां पे चेक करना है क्या डेफिनेशन चेंज होगी फोर्थ पॉइंट और डिफरेंशियबिलिटी में भी सेम पॉइंट्स है हम फिर से देखने वाले डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट एंड डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल तो डिफरेंशियबिलिटी इन द इंटरवल में यही सब आने वाला है फिर से ठीक है तो अभी इसको अच्छे से याद कर लो इन पॉइंट्स को कि कहां पे चेक करना होगा लास्ट पॉइंट इन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंटिन्यूटी शुड बी चेक चेक्ड एट पॉइंट्स Where g of x is discontinuous मतलब जहां पे g of x discontinuous हो रहा होगा वहां पे and and
and add g of x is equal to a, जहां पे g of x a वैल्यू ले रहा होगा, and where a जो होगा, where a is point of discontinuity of f of x, where a is point of discontinuity of कहां पे चेक हमने कंपोजिट फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ये पॉइंट देख लिया जहां पे मान लो x is equal to c पे चेक करना था x is equal to c पे g of x कंटिन्यूअस हो रहा है ठीक है g of x कंटिन्यूअस है एंड f का कहां पे कंटिन्यूअस होना जरूरी था g of c पे f का g of c पे कंटिन्यूअस होना जरूरी था तो हम पूरे फंक्शन को x is equal to c पे कंटिन्यूअस हो रहा ये बोल रहे थे है कि नहीं ये बोल रहे थे अब उस कंटिन्यूटी चेक करने की बारी आएगी तो कहां पे चेक कर दिया जहां पे g of x डिसकंटीन्यूअस होता है वहां पे एंड मान लो f of x सेपरेटली अगर देखते हैं तो f of x का पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी है x is equal to a f of x x is equal to a पे डिसकंटीन्यूअस होता है लेकिन अब हमारे पास f of x नहीं हमारे पास f of g of x है तो जहां पे g of x a वैल्यू ले रहा होगा तो उन पॉइंट्स पे भी हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्लियर है ये चौथा पॉइंट यस सर चलो ये तो ये चार पॉइंट्स है तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एंड जीआईएफ में जब उसके अंदर की क्वांटिटी इंटीग्रल वैल्यू ले रही है तो वहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी फिर उसके बाद सेकंड में सिग्नम एफ ऑफ एक्स अगर है तो जहां पे f of x जीरो हो रहा होगा वहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फिर अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है किसी पॉइंट पे तो वहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी एंड लास्ट अगर कंपोजिट फंक्शन है तो जहां पे g of x डिसकंटीन्यूअस हो रहा है उन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है एंड ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे g of x a वैल्यू ले रहा है जहां पे g of x a वैल्यू ले रहा है and a point of discontinuity of f of x से वहां पे हमें चेक करनी होगी ठीक है फोर्थ पॉइंट नहीं समझा ठीक है देख लो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अभी ये कंपोजिट की बात हो रही है हम पहले सेपरेट देखते थोड़ा अलग अलग करके ठीक है यहाँ पे मान लो दो फंक्शन है हमारे पास f of x and y is equal to g of x ठीक है अब ये मान लो g of x discontinuous होता है c पे g of x is discontinuous at x is equal to c and f of x is discontinuous at x is equal to a मतलब जब f में x a वैल्यू लेके जा रहा होगा f में जब x a वैल्यू लेके जा रहा होगा तो वहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा एंड जब g में x c वैल्यू लेके जा रहा होगा तो वहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा ये तो सेपरेट वाले की बात हो गई लेकिन अब हमें इनका कंपोजिट देखना है तो x अगर c वैल्यू लेके जा रहा है तो वहां पे ये डिसकंटीन्यूअस होता है तो इस वजह से हमें x is equal to c पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी एंड दूसरा अब f के अंदर में a जाने पे f के अंदर में a जाने पे f डिसकंटीन्यूअस होता है कि नहीं अब f के अंदर में a कब आएगा यहाँ पे जब g of x a हो रहा होगा तो g of x कौन से x के लिए a होता है वो हमें देखना पड़ेगा तो उन x पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है अब क्लियर है चलो तो ये चार पॉइंट्स है यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत और ये पॉइंट्स हमें ढूंढने होते हैं खुद
हमें तो बस क्या दिया जाता है ए टू बी के बीच में इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। अब कहाँ कहाँ पे चेक करना है तो ये चार पॉइंट्स हेल्प करेंगे, इनको भूलना मत। हर एक पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका इसके ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थ्योरी पार्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर। ये खत्म है अभी, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, दो से ढाई लेक्चर में, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी ज्यादा बड़ा नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी सेम कंटिन्यूटी की तरह ही है, दो से ढाई लेक्चर में एलसीडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रिवाइज कर लो, कल भी 1:30 बजे ही लेक्चर होगा, ठीक, दोनों बैचेस का होगा, ठीक है। ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, या संडे को ले लें? कल ही ले लीजिए सर, ली लो सर का लेक्चर है सर संडे को। हाँ संडे को लेक्चर है सर, एसआरपी सर का। एसआरपी सर बहुत क्लासेस ले रहे तुम्हारे इसमें, चलो ठीक है कोई नहीं, कल ही ले लेते 1:30 बजे। तो किसी को कोई डाउट आज के इसमें? एओडी के बाद मैट्राइसेस डिटरमिनेंट होगा, होमवर्क आज कुछ नहीं है, ठीक है कोई नहीं। हर्षवर्धन कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं क्या, रिवाइज कर लो, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करो, लिमिट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चलो जितने भी तुम्हें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्वेश्चन दिख रहे सारे सॉल्व करो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीक से मेरी क्लासेस लगेगी सिर्फ, वो जो भी तुम्हारा डिस्कशन बचा हुआ रहेगा मैं ले लूंगा, ओके? यस सर। थैंक यू सर। ये कंबाइन करने क्योंकि सिलेबस सेम ही चल रहा है, तो दो जगह पे अलग अलग पढ़ाने के बजाय अभी जब तक ऑनलाइन है तब तक ले लेते, ऐसा मैंने सोचा है, वरना फिर मैं 3-4 ही दिन क्लास ले पाता हूँ, क्योंकि बाकी बैचेस में भी लेने होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कम रह जाती थी मेरी और सिलेबस पीछे हो रहा था, तो इस वजह से अब अगर कंबाइन भी लिया जाएगा कंटेंट तो सेम ही देना है, क्वेश्चन दोनों में सेम ही, तो अलग अलग एक साथ करवा लेते हैं, जब ऑफलाइन शुरू होगा तो सेपरेट हो जाएंगे बैचेस, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो उससे क्या होगा, मैं हर दिन तुम्हारे बैच में क्लास लगा सकता हूँ, 6 दिन क्लास हो सकती है अपनी, तो फिर सिलेबस भी पीछे नहीं हो पाएगा, ताकि फिर दूसरे टॉपिक्स के लिए दूसरे टीचर को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसमें सोच रहा था क्या कहते हैं मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट में, लेकिन अगर मेरी ही 6 दिन क्लास लगेगी तो फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस तुम लोग कोई क्लास मिस मत करना, आज मैंने देख लिया कितने बच्चे गायब है, 4th क्लास है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंक मारना है, और ये लिंक्ड है, अभी देखना डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत आएगी उन लोगों को। अब मैंने एक चीज सपोज मान लो कंटिन्यूटी में पे बहुत जोर दे रहा हूं हर एक पॉइंट के ऊपर,
इतना जोर थोड़ी ना डिफरेंशिएबिलिटी में दूंगा, थोड़ा ध्यान रखना कि कोई क्लास मिस ना करो आइंदा से। एओडी में भी सारी चीजें लिंक होती है, एक बार लिंक टूट गई एक दो लेक्चर नहीं अटेंड करने से ही टूट जाएगी, फिर हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, और डिस्कशन दोनों में अलग अलग चलेगा क्योंकि आगे पीछे है बहुत, किसी में डीपीपी बहुत आगे किसी में पीछे है, तो अलग अलग लेंगे डिस्कशन। ठीक है, हाँ एओडी में कोनिक का यूज नहीं आता इतना ज्यादा। ठीक, एओडी पूरा ही अलग है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज आता है, वो भी बेसिक डिफरेंशिएशन जो कि आते हैं। ठीक है, चलो फिर। ठीक है, अब ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा ये मुझे भी नहीं पता है, जब हो जाएगा तो पता चलेगा तुम लोगों को। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से तुम लोगों को बुलाया जाएगा क्लास नोट्स एंड ये लेके। आप आ गए क्या सर नासिक में? अभी आऊंगा मैं, 27-28 को आने वाला, तो उसके बाद बुला लूंगा। ठीक है, तब मैं सोच रहा हूँ बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा वहां पे, कोई क्लासरूम वगैरह पूरा अरेंजमेंट रहता तो बोर्ड पे ही ना, ये राइटिंग पैड पे थोड़ी दिक्कत। ठीक है, तब देख लेंगे 28 के बाद, अभी तब तक तो इधर ही ऐसे ही चलेगा। ओके देन, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।